गिनती की पुस्तक अध्याय 27, गिनती की पुस्तक अध्याय 27। सलोफात की बेटियों की बिनती। तब यूसुफ के पुत्र मनुष्य के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलात का पोता और मनुष्य के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई, और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफात की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहोशू के मूसा के स्थान पर नियुक्त किए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के भड़कने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से जो कुछ उसे दे जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।